थार नगरी बाड़मेर में हॉकी राजस्थान के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय वित्त विदेश एवं रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसौल की स्मृति में 14वीं हॉकी राजस्थान सीनियर मैन स्टेट चैंपियनशिप 2024 का आगाज आज बाड़मेर जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड पर हुआ। इस उद्घाटन आयोजन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जसौल की मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान हॉकी की अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने की। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल, युवा उद्यमी जागेंद्र सिंह चौहान, समाज सेवी राम सिंह बोथिया सहित बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित रहे। बता दें कि आयोजन 25 से शुरू होकर 27 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य में अलग अलग 28 जिलों टीमें भाग ले रही हैं। हॉकी मैच का शुभारंभ पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जासौल ने अपने हाथों से एक गोल करके किया। जनता की ओर से आपको धन्यवाद भी देता हूँ और सामने विराजमान सभी खिलाड़ी जो मेरे लिए VIP हैं, मैं हमेशा खिलाड़ियों के हिसाब से अपने देखता हूँ क्योंकि खेल कार्यक्रम खेल का है और लगाव खेल से है, जैसे संचालक महोदय ने कहा। और अभी मैं यहाँ राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में यहाँ आपके सामने हूँ, परंतु एक ऐसा समय था, मैं अभी इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था मंच पर बैठते ही कि इसी पंक्ति में यहाँ मैं बैठा था अजमेर की टीम में। मैं हॉकी के रूप में गया था, हॉकी खिलाड़ी के रूप में गया था अजमेर से खेलते हुए जब मैं स्कूल में था, परंतु आगे खेल नहीं सका। वो कैंप में गया था, वो आगे खेल नहीं सका क्योंकि फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया, विदेश चले गया। पर मैं अजमेर के लिए खेलने के गया था एक बार, मुझे वो हॉकी का वो समय अभी भी याद है। हॉकी और फुटबॉल मेरे लिए हमेशा सबसे प्रिय रहे थे और आज मैंने सोचा जब मुझे निमंत्रण मिला कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है, तो मैंने सोचा कि हॉकी और बॉल दोनों भी तो हाथ में आएंगे, परंतु बहुत दुख हुआ कि अभी तक मुझे हॉकी स्टिक और बॉल देखने को नहीं मिली। हाँ, इस कार्यक्रम में सिर्फ मंच और माइक और माला और साफा देखने को मिला है। मैक्सिमम 4600 कोच थे उस समय भारत में और उसी समय जापान में, जो एशिया में जो स्टैंडिंग है, एशिया में नंबर 3 नंबर 4 पर था जापान। उसी समय जापान में 220,000 कोचेस थे। जापान की जनसंख्या हमारे से, मैंने जापान की जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी और कोचेस वहाँ इतने, हमारे यहाँ जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश है तो 10 गुना ज़्यादा है और हमारे यहाँ कोचेज़ की संख्या इतनी है। तो मुझे नहीं पता कि हॉकी में कोचेज़ की संख्या कितनी है, परंतु हर वर्ष संख्या बढ़ रही है, ये नहीं कि नहीं बढ़ रही है। और जब तक कोचिंग की व्यवस्था नहीं होगी, खिलाड़ी नहीं बन सकता, क्योंकि कोच ही बनाता है खिलाड़ी। खिलाड़ी में रुचि होगी, ऊर्जा होगी, खेलने की भावना होगी, परंतु स्किल, टैक्टिक्स, सोच, प्रैक्टिस, ये सब कोचेस के मार्फत आता है। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी अतिथियों का कि आपने अमूल्य समय देकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और हम सब प्रयास करेंगे, हमारी पूरी टीम ये प्रयास करेगी कि जो जो टीमें बाहर से बजा रही है यहाँ पे, उन सबका आवास की, भोजन की जो भी व्यवस्थाएं है। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।